फायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर जघन्य अपराध किया है और कश्मीर घाटी में अपनी मेहनत के बल पर रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों की जिस प्रकार नृशंस हत्या की है, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार इस प्रकार की साजिशें हो रही हैं कि टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर घाटी के अंदर करके डर का माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे, चुन चुन कर इन आतंकवादियों का भी हम सफाया करेंगे। जैसे कुछ दिन पूर्व कश्मीर घाटी के अंदर मक्खनलाल बिंद्रू जी जो कश्मीरी पंडित थे, उनके उपरांत वहां सतिंदर कौर जी जो प्रधानाचार्य थी और एक शिक्षक दीपक मेहरा जी और बिहार के वरेंद्र पासवान जी और मोहम्मद शफी साहब जो कश्मीर के रहने वाले थे, उनके हत्यारों को हमारी पुलिस तथा सेना ने एक हफ्ते के अंदर अंदर उन सब का सफाया किया है। इस प्रकार की निंदनीय घटना और साजिश में इस हत्या में शामिल तमाम आतंकवादियों और उनके समर्थकों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। इन सब का नंबर लगेगा। किसी भी आतंकवादी को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भारत ने हमेशा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सेना, पुलिस तथा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवानों ने कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ ऑपरेशन करके आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है और बौखलाहट में आके, डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके आतंकवादियों ने यह जो जघन्य अपराध कश्मीर के अंदर फिर से किया है। ABP News आपको रखे आगे।